गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम. आई वेलकम यू ऑल इन योर वर्चुअल क्लास ऑफ इंग्लिश. नाउ इट्स टाइम टू प्रे टू गॉड. सो जॉइन योर हैंड्स एंड स्टार्ट रिसाइटिंग प्रेयर. Fifth chapter of your reader book, Little Things. This chapter is given on page number 29 of your reader book. Now, let's review the poem through its animation. Little Things. Little drops of water. Little grains of sand. Make the mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love, make our world an Eden. Like the heaven above. Now students, we will do exercise part, page number 30. Choose the correct option. Which word rhymes with sand? बच्चे, ये नीचे कुछ words दिए हुए हैं. इनमें से कौन सा word ऐसा है बच्चे जिसकी sound सैंड की तरह सेम है. नाउ द वर्ड्स आर विंड, लैंड, रेन. सेकेंड वन इज लिटिल डैश ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल डैश ऑफ लव मेक आर वर्ल्ड एन ईडन. बच्चे ये लाइन आपकी पोएम में से है. यहां पर ब्लैंक्स है. इन ब्लैंक्स में आपने वर्ड्स फिल करने हैं. ये नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ओके, नाउ वर्ड्स आर डीड्स एंड वर्ड्स. वर्ड्स एंड डीड्स. डीड्स एंड डीड्स. नाउ बच्चे आपने पोएम अच्छे से रीड की है ना. नाउ यू विल ट्राई. ओके, आप इन वर्ड्स में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके यहां पर इन ब्लैंक्स में फिल करेंगे. ओके, ट्राई. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइम्स डज द, यहां पर बच्चे आपकी बुक में करेक्शन है, डब्ल्यू ओ आर एल डी लिखा हुआ है. आपने एल लेटर को कट करना है. क्या स्पेलिंग्स लिखनी है? डब्ल्यू ओ आर डी. वर्ड लिटिल अकर इन द पोएम. पोयम में लिटिल वर्ड कितनी बार आया है? हाउ मेनी टाइम्स? वन, फोर और फाइव. द पोएट फाइंड्स अ वर्ड टू बी लाइक द डैश अबव. पोयम में पोएटेस
हमारे वर्ल्ड को किसकी तरह बनाना चाहती हैं? वर्ल्ड, ओशियन और हेवन। नाउ ट्राई। नाउ ट्रू फॉल्स। स्नो एंड फायर मेक द ओशियन। स्नो मीन्स बर्फ, फायर मीन्स आग। बर्फ और आग मिलकर ओशियन बनाते हैं, महासागर बनाते हैं। वाटर एंड सैंड मेक द लैंड। वाटर और सैंड, सैंड मीन्स रेत, दोनों मिलकर लैंड को बनाते हैं। आवर वर्ल्ड डज नॉट नीड काइंडनेस। हमारे वर्ल्ड में काइंडनेस, ह्यूमैनिटी की जरूरत नहीं है। नाउ ट्राई। पेज नंबर 31। माई वर्ड बैंक। मैजिक ई, ई लेटर का जादू। बाय एडिंग ई एट द एंड ऑफ मैनी वर्ड्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंजेस। बच्चे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में अगर ई लेटर को ऐड कर दिया जाए तो वर्ड का जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही द साउंड ऑफ द वर्ड ऑल्सो चेंजेस, और उस वर्ड की जो साउंड होती है वो भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर देखो, एच ए टी, हैट। हैट आपको मालूम है बच्चे, जो सर पर पहनते हैं। अब जब ई लेटर ऐड हो जाएगा एंड में, तब स्पेलिंग्स क्या होंगी बच्चे? एच ए टी ई। अब देखो ये क्या वर्ड बन गया, हेट। साउंड भी चेंज हो गई और मीनिंग भी। हेट मीन्स नफरत, नफरत करना किसी के लिए, बैड फीलिंग्स। ओके, अब बच्चे नेक्स्ट पेज पर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उनके एंड में ई लेटर को ऐड करना है और उसके बाद वर्ड को लाउडली रीड भी करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चेंज द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग ई एट द एंड एंड देन रीड देम आउट लाउड। नाउ वर्ड्स आर पेन, पी ए एन, पेन। पेन मीन्स बच्चे बर्तन जिसमें मम्मा खाना बनाती हैं। अब बच्चे पेन वर्ड में एंड में जब ई लेटर ऐड हो जाएगा तब वर्ड क्या बनेगा, पेन, और उसका मीनिंग क्या होगा, विंडो पेन, विंडो का जो कांच होता है। नाउ किट, के आई टी, किट। ये तो आपको मालूम ही है बच्चे, जिसमें सामान रखते हैं, आपके पास भी होती है स्टेशनरी किट। अब किट वर्ड के एंड में जब ई लेटर ऐड हो जाएगा तो वर्ड क्या होगा बच्चे, काइट। काइट मीन्स पतंग। रिप, आर आई पी, रिप। रिप मीन्स काटना, कटिंग करना। अब रिप वर्ड के एंड में जब ई लेटर ऐड हो जाएगा बच्चे, तब स्पेलिंग्स क्या होंगी, आर आई पी ई, राइप। राइप, राइप मीन्स पका हुआ। नाउ फिन, एफ आई एन, फिन। फिन मीन्स बच्चे फिश के बॉडी का एक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं फिन। ओके, अब जब फिन वर्ड के एंड में ई लेटर ऐड हो जाएगा तब वर्ड क्या होगा बच्चे, फाइन। फाइन मीन्स ओके, अच्छा। टब, टी यू बी, टब। ये तो आपको मालूम है, सबके घर में होता है टब। अब टब वर्ड के एंड में जब ई लेटर ऐड हो जाएगा तब वर्ड क्या बन जाएगा बच्चे, ट्यूब। और ट्यूब का मीनिंग क्या होता है बच्चे, आपने देखा है आपके घर में होती है ट्यूब लाइट, और वाटर ट्यूब भी होती है जिसे प्लांट्स को वाटर देते हैं, है ना। नाउ टैप, टी ए पी, टैप। टैप तो मालूम है आपको, नल। अब टैप वर्ड के एंड में जब ई लेटर ऐड होगा तब वर्ड क्या होगा बच्चे, टेप। और टेप का मीनिंग क्या होता है आपको मालूम है बच्चे, टेप
जिससे आप कुछ भी जोड़ते हो। जब आपकी बुक का कोई पेज टियर हो जाता है तब आप उसको जोड़ते हो ना टेप से। नाउ प्लान, PLAN, प्लान। प्लान मीन्स कुछ भी प्लानिंग करना। अब प्लान वर्ड के एंड में जब ई लेटर आ जाएगा तब हम वर्ड को कैसे पढ़ेंगे बच्चे? प्लेन, प्लेन, एरोप्लेन, ये तो सबने देखा है। नाउ नॉट, NOT, नॉट। नॉट मीन्स नहीं। अब नॉट वर्ड के एंड में जब ई एड हो जाएगा तब वर्ड क्या होगा? नॉट, NOTE, नॉट मीन्स स्पेशल नोट। जैसे आप अपनी डायरी में लिखते हैं ना बच्चे PTM का नोट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉट। ओके, नाउ यू विल ट्राई टू राइट दीज वर्ड्स इन योर बुक। ओके, नाउ सेकेंड वन, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। बच्चे ग्रीन कलर से वर्ड्स दिए हुए हैं, पिंक कलर से मीनिंग्स दिए हुए हैं। वर्ड्स को मीनिंग्स के साथ मैच करना है। फर्स्ट वर्ड इज MIGHTY, माइटी। माइटी मीन्स विशाल, ह्यूज, बड़ा, ताकतवर जो होता है, पावरफुल। प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट। प्लेजेंट मीन्स अच्छा, बहुत सुंदर, जिसको देखकर मन खुश हो, इंजॉयबल। डीड, DEED, डीड। डीड मीन्स काम, एक्शन। काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स दयालुता, ह्यूमैनिटी, अच्छाई जो होती है। वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स शब्द जो हम बोलते हैं। नाउ मीनिंग्स आर SPEECH, स्पीच। स्पीच मीन्स जो हम बोलते हैं। गुडनेस, GOODNESS, गुडनेस। गुडनेस मीन्स अच्छाई। प्लीजिंग, PLEASING, प्लीजिंग मीन्स अच्छा, सुंदर, जिसको देखकर मन खुश हो। स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स पावरफुल, ताकतवर। वर्क, WORK, वर्क। वर्क मीन्स काम, एक्शन। अब बच्चे आपको वर्ड्स भी मालूम हो गए और मीनिंग्स भी, तो आप मैच करेंगे वर्ड्स को मीनिंग्स के साथ। ओके, ट्राई। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू राइटिंग प्रैक्टिस पेज नंबर 10। वी शुड SHOULD, we should not, 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 walk, 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 in the THE, the middle, MIDDLE, middle of the THE, the road, ROAD, road. Full stop. We should not get out of a moving bus. Now students, you will practice like this. Advisory work is, do page number 10 of cursive strokes and exercise part of
लेसन नंबर 5 ऑफ योर रीडर बुक. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.